लोकसभा इंतखाब में शानदार जीत हासिल करने के बाद आज बीजेपी लीडर मनोज तिवारी ने धन्यवाद यात्रा निकाला। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दिल्ली को ऐसे वजीर आला की जरूरत है जो दिल्ली को तरक्की की बुलंदी पर ले जा सके। उन्होंने कहा कि फरवरी 2020 के असेंबली इंतखाब की तैयारियों में हम मशगूल हो गए हैं। सबसे पहले तो हमें धन्यवाद करना है कि हमारी क्षेत्र की जनता ने इतने ऐतिहासिक मतों से हमें जिताया, लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों को ये भी समझाने में लगे हैं कि जब तक दिल्ली में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं होगा जो दिल्ली का विकास चाहता हो, वो खाली मोदी जी को गाली देने वाला ना हो, वो खाली काम रोक करके राजनीति करने वाला ना हो, तो हमारा एक ये भी प्रार्थना है कि हम फरवरी 2020 तक की तैयारी में भी लग गए हैं। जनता को धन्यवाद, लेकिन दिल्ली भी होगी आबाद, उसके लिए हम लोगों को निगेटिव शक्तियों को हटाना है और बीजेपी को दिल्ली में लाना है। क्या 2020 में दिल्ली के मुख्यमंत्री से बात करें? इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि देश में मोदी, दिल्ली में भाजपा, तभी बनेगी बात। दिल्ली चले मोदी के साथ।